प्रैंकर्स, कैसे हो आप लोग। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट हम चलते हैं अपने मुद्दे पे। तो हमारा मुद्दा क्या था, हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, जो भी पढ़ना हुआ देखते हैं यार क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे हम पहले हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। भाई वेपर प्रेशर हो, नाम तो यार अच्छा खासा चौड़ा खासा लग रहा है। क्या होगा ये वेपर प्रेशर, क्या चीज है? अभी कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक सोल्यूशन लिया। सिंपल सा तरीका है, एक सोल्यूशन तो लेंगे ही है ना। वो इतने सारे डॉट बनाने पड़ते हैं यार, ये लो लाइन खींच ली हमने, तो ये हमने लिया एक सॉल्यूशन लिया। अब सबको पता है यार सॉल्यूशन क्या करता है, यहाँ से वेपर उड़ाता है। ठीक है, वेपर उड़े, ठीक वेपर उड़े, यहाँ पे आके क्या बन जाएगी सॉल्यूशन की, एक अगर मैं इसको ऐसे ढक दू तो वेपर फेज, वेपर्स हो जाएंगे सॉल्यूशन के। तो एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जब इन वेपर फेज का और इस सॉल्यूशन के बीच एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम, कि जो वेपर से वापस से कंडेंस होके जो सॉल्यूशन बना रहे हैं और जो सॉल्यूशन से वेपर बन रहे हैं उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगी। दोनों की रेट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक ठीक तो भाई दोनों की रेट सेम होगी, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो गया, तो उस टाइम पे एक प्रेशर बनाएंगे ये वेपर्स। हमने मान ली किसी चीज से भी इसको ढका है ना, तो उसके ऊपर एक प्रेशर बनाएंगे ये वेपर्स। क्या बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे। ठीक, जो वो प्रेशर होगा ना उसको हमने बोल दिया अभी वेपर प्रेशर। क्या बोल दिया, वेपर प्रेशर। अब तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सब क्लियर हो गया, वापस से चीजें रिपीट कर गया। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कि वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जब जब वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो, फिर जो वेपर से प्रेशर बनाते हैं उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब तुम लोग मलयालम हो, कन्नड़ हो, जो भी हो, अपनी भाषा में इसको पेल देना, ठीक है, मतलब लिख देना यार, उल्टे मतलब बड़े निकाल दिया तुम लोग। ठीक है, ठीक। तो भाई ये होता है वेपर प्रेशर। उसके बाद में एक हमारे भैया आए, कौन, कालू भैया, वो तो आए थे ना आर्किमिडीज के टाइम पे, शामू भैया, अरे वो भी तो आए थे ना। तो अभी हमारे भैया आए लाला भैया, लाला भैया, अरे लाला भैया क्या कर रहे हैं, लाला भैया आए, कुछ दे पाए ये, कभी कुछ दिया है यार, लाला भैया कुछ नहीं दे पाए। तो लाला भैया तो कुछ नहीं दे पाए, फिर हमने क्या किया, भैया अंग्रेज को बुलाया, गोरा, ठीक, गोरे चले गए अंग्रेजों, भारत छोड़ो, छोड़ गए वो तो 1947 में, ठीक। तो हमने एक लाला भैया तो कुछ कर नहीं पाए, तो हमने एक अंग्रेज को बुलाया जिसका नाम था रोड्स। इतना खतरनाक नाम, उसका था नाम रोल्ट, भाई इतना खतरनाक नाम। तो रोल्ट भैया की वही जो हमारे हेनरी भैया की कंडीशंस थी, भाई मैं लो दूंगा, ठीक है भाई, देख किसने तेरे को मना किया, लेकिन नाम मेरा होगा, चल दिया रोल्ट, लो। अब बता तो दे भाई तेरा लो था क्या, तो बोला ठीक है यार बताता हूँ, शांति तो रखो। मैंने बोला रख लिया, ले हमने तो शांति रखी, औरों की तो देखी जाएगी, ठीक है। तो इसने बोला कि अकॉर्डिंग टू मेरे लो, यानी कि अकॉर्डिंग टू रोल्ट्स लो, अकॉर्डिंग टू इस भैया के लो, लाला भैया के लो, नहीं लाला भैया तो कुछ कर ही नहीं पाए, हमारे रोल्ट्स भैया के लो, कि जो पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर लगा लिया, पार्शियल प्रेशर लगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, ठीक है भाई, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी भी कॉम्पोनेंट का, जैसे मान लिया भाई दो ही तो कॉम्पोनेंट होते हैं इस पूरे चैप्टर में, हम ए को मेनली देखते हैं। देखो पहली बात यार, बुक्स लिखती है, ए को सोलवेंट लिखती है, ठीक, बी को सोल्यूट लिखती है, बुक्स लिखती है, जरूरी है क्या, लिख दिया और हमने मान लिया, भाई मैं तो बी को सोलवेंट बोलूंगा, ए को सोल्यूट बोलूंगा, उखाड़ लो क्या उखाड़ोगे, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है। तो तुम लोगों का यार देखो, मैं कभी प्रेफर नहीं करता कि तुम लोग रटो कि ए को सोलवेंट ही बोलना है, बी को सोल्यूट, जो बोलना खुद से बोलो, जो भी बोलना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर, किसी भी कंपोनेंट का, चाहे सोलवेंट का हो, सोल्यूट का हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स का रेशियो है ना, बस खत्म, यही था रोल्स लो और कुछ नहीं था। अब इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली लिख लेते हैं। पहली बात तो ये भाई कि जो रोल्स लो था वो किसके लिए अप्लाई था, वोलाटाइल के लिए, जो वोलाटाइल सॉल्यूशंस होते हैं, पहली चीज तो ये याद रखना। दूसरी चीज भाई हमें ये पता चल गया कि ये क्या होता है, कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट तो ऐड करेंगे ना, लेकिन इसके अंदर हमारे रोल्स लॉ बोले भाई नहीं, हेनरी भैया ने बड़े कांड किए, उनकी तो लिमिटेशन आ गई, अब मेरी लिमिटेशन आ गई तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, तो हमने कोई भी रोल्स कॉन्स्टेंट को ऐड नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक बनता है पी नॉट,
यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर उसकी प्योर स्टेट में, ठीक, और एक्स ए, ठीक है, इतना होगा, ठीक है, इतना होगा अभी। अब इसकी प्योर स्टेट का मतलब क्या है, इसकी प्योर स्टेट का मतलब क्या है? मैंने पानी लिया, पानी की प्योर स्टेट है तो मैंने इसमें कुछ नहीं मिला रखा, आइडियल स्टेट, प्योर स्टेट मैंने कुछ मिला ही नहीं रखा, ठीक है। जो पानी का जो फिर वो वेपर प्रेशर होगा उसको हम पी नॉट ए से डिवाइड करेंगे, जब कुछ मिला देंगे उस टाइम पे जो वो अपना वेपर प्रेशर दिखाएगा तो वो तो फिर मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा ही, ये तो इंडिपेंडेंट है, तो वो होता है इसका प्योर स्टेट में जो भी था तो वो हमने, ये तो कॉन्स्टेंट ही होगा ना, प्योर स्टेट के अंदर तो चेंज थोड़ी होगा। अब उसके बाद अगर मैं इसमें चीनी मिलाता हूँ, नमक मिलाता हूँ, लाल मिर्च, काली मिर्च, जो भी हम इसमें मिलाएंगे, ठीक, उसके बाद ही तो डिपेंड करेगा कि इसका जो पार्शियल प्रेशर है, वेपर पार्शियल प्रेशर है, वो कैसे चेंज हो रहा है, वो तो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा ना उसके, फिर करेगा ना, लेकिन आइडियल के अंदर कहाँ करेगा, तो आइडियल तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे जब हम इसके अंदर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे वो उसी कॉम्पोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसकी प्योर स्टेट का, ठीक, इतना क्लियर। अब मान लेते हैं वही बुक वाला, हमने भी ए को अगर हमने सोल्वेंट किया तो सोल्यूट के लिए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताने की जरूरत है, पी भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स बी के, काई होता है एक्स नहीं होता, काई बी के, ठीक, और काई का मतलब ऐसे कुछ लिखते हैं यार ये लोग, मतलब ऐसे कुछ एक्स टाइप नहीं होता, काई होता है, ठीक है, काई बी के, और फिर वही प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, खत्म, ये तो हमारा रोल्स लॉ, ठीक। अब ये तो हो गया भाई इसका इंडिविजुअल सॉल्वेंट का ही हो गया, इंडिविजुअल सॉल्यूट का। अब हमें लिखना भी पार्शियल जो टोटल प्रेशर है, जो टोटल पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन का, ठीक। अब सॉल्यूशन का लिखना है तो इसमें क्या हमारी कोई रामायण महाभारत कुछ लगेगी क्या? कुछ नहीं लगेगी, पीटी किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी के, यही तो होगा भाई, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का जो प्रेशर होगा उसी को हम बोल देंगे भाई टोटल उसका प्रेशर, वापस ऐसे लिख देते हैं किसके इक्वल, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, कुछ फर्क पड़ा यार, सिंपल है, पी ए की वैल्यू पुट की, पी बी की वैल्यू पुट की, ये पी टी किस बन, ये सब फॉर्मूले हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, इतना पता है, मिनिमम लो पता है, सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रोल्स लो था, ठीक। उसके बाद में अगर हमें, एक सेकेंड, लाला भैया को मिटवा देता हूँ, वैसे कुछ काम तो करती नहीं आ रही है ना, हमारे कालू भैया कुछ किए ना, हमारे लाल भैया कुछ किए ना, हमारे श्यामू भैया कुछ किए, तो कोई करेगा क्या कुछ, रोल्स कर गया, जीनियस कर गया, हिंदी कर गया, इंडियन कब जागेंगे, जाग जाएंगे भाई वो भी। तो एक हम लेते हैं वाई ए, वाई ए क्या होता है, वाई ए होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। वाई ए अगर मैंने लिया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक, वेपर प्रेशर नहीं है, वेपर फेज, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, पी ए अपॉन पी टी के, ठीक, पी टी किसके इक्वल है, पी ए प्लस पी बी के, फिर वही पी ए की जगह पे हम लिख सकते हैं पी नॉट ए का ये, सब सब कर सकते हैं यार, तुम लोग इतना पता चलने के बाद तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है इसका, वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन होता है, जब तो क्वेश्चन की वीडियो आएगी जब करेंगे, अभी केमिकल काइनेटिक्स की भी क्वेश्चन की वीडियो बाकी है उसके भी करेंगे, ठीक। तो वैसे वाई भी किसके इक्वल होगा, पी बी अपॉन पी टी के, खत्म, कुछ बचा गया अब रोल्स लॉ के अंदर पढ़ने लायक, कुछ नहीं है, इसके अच्छे क्वेश्चन करेंगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक। तो अब रोल्स लॉ के ऊपर जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आए उनको देखते हैं, ठीक, रॉयल्स लॉ के ऊपर जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है उनको देखते हैं। तो भाई इन्होंने बोला कि सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, भाई बताओ भाई कौन से दो टाइप के होते हैं, इन्होंने तो बोल दिया कि भाई जो सॉल्यूशन है वो दो टाइप के होंगे, ठीक, कौन कौन से, आइडियल नॉन आइडियल, बोला ठीक है भाई आइडियल भी हो गया नॉन आइडियल भी हो गया, तो आइडियल सॉल्यूशन कौन सा हुआ। तो फिर आया हमारा भाकी, कौन, लाला भैया, बोला मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा, हमने पूछा भाई बता, बोला मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, फिर कौन सा भैया आया, फिर आया रोल्स भैया, अभी देखो मैंने इतना सब बता दिया तो लाला की भी बेइज्जती होगी, इसको कुछ नहीं आता, तो रोल्स भैया बोला कि जो मेरे लो को मान लेगा ना वो हो जाएगा आइडियल, जो रोल्स के लो के ऊपर चला उस सोल्यूशन को हमने बोल दिया आइडियल सोल्यूशन, और जो नहीं चला उसको हमने बोल दिया नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक। ध्यान से देखना अभी क्या होने वाला है,
सब क्लियर होने वाला है, सब जो भी था सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है भाई, आइडियल सॉल्यूशन का जो रोल्स लॉ को मान, ठीक, जो ओबे करे रोल्स लॉ को, और जो ओबे ना करे वो कौन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब क्या, इधर क्या होगा, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए का ये इक्वल होगा, इधर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, अगर रोल्स लोगों मानते तो आइडियल है, इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या, अगर ये, अगर हम देखो सिंपल सी बात है, मैंने सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मैंने ऐड किया, तो पी टी इन दोनों के ऐड के इक्वल मिल रहा है, पी ए प्लस पी बी के इक्वल मिल रहा है, तो मतलब इनके अंदर ना तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज आया ही नहीं होगा, जो प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम भी सेम रहा होगा। ठीक, तो डेल्टा वी यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आ जाएगा, जीरो। भाई जितना मैंने सोल्यूट डाला, मान लिया 2 लीटर सोल्यूट डाला, 2 लीटर सॉल्वेंट डाला, सोल्यूशन 4 लीटर मिल गया होगा। लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रोल्स लो भैया को तो फॉलो ही नहीं करता, रोल्ड वाले भैया के लोगों को तो फॉलो ही नहीं करता, तो इधर क्या जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट जीरो। अब यहाँ पे भाई ऐसा कैसा आ गया, मतलब कुछ भी रिएक्शन वगैरह कुछ भी प्रोसीजर वगैरह नहीं हुआ, तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो आ गया। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तभी वॉल्यूम में डिफरेंस आया था, यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट जीरो। ठीक, और फिर वही एंट्रोपी का और गिब्स फ्री एनर्जी का तो यूनिवर्सल है ही, कि एंट्रोपी ऑलवेज क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव, और गिब्स फ्री एनर्जी क्या रहनी चाहिए, नेगेटिव। ठीक है भाई, ये भी लिख देते हैं कि जो डेल्टा एस है चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या होगी, पॉजिटिव, और जो गिब्स फ्री एनर्जी हो गया होगी नेगेटिव। इसमें तो सेम ही रहेगा, जैसे मैंने बताया यूनिवर्सल था, ये आइडियल नॉन आइडियल हो गया, और उनका क्या हो गया, आइडियल नॉन आइडियल का साथ में क्या हो गया, डिफरेंस भी हो गया। सब हुआ क्लियर या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो वीडियो को वापस से देखो, हो जाएगा यार, देखो कुछ समझने वाला था नहीं इसमें, जो था मैंने बताया। ठीक है, बाकी तुम लोग समझदार हो ही, चलो फिर आगे करते हैं, ग्राफ देख लिया आइडियल का, चलो भाई ग्राफ भी देख लेते हैं आइडियल का, कि भाई ग्राफ में क्या आएगा आइडियल की। ठीक है, तो आइडियल ग्राफ को देख लेते हैं, मैंने लिया कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, क्या है ये, बीकर है या क्या है, इधर ले लेंगे वेपर प्रेशर, इधर ले लेंगे क्या क्या लेंगे, इधर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ले लिया, अभी तुम लोगों ने बोला था, तुम लोग जो बोले गया हम तो वही ले लेंगे। ठीक है, तो हम इस तरफ ले लेते हैं, पी नॉट ए मैक्सिमम होगा ना, आइडियली तो मैक्सिमम होता है, इधर ले लेते पी नॉट बी। ठीक, पहले कुछ ऐसा आ रहा था, ये क्या जाएगा, पीटी की लाइन, ये पीए की लाइन, और ये पीबी की लाइन। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या, दोनों का पार्शियल प्रेशर के साथ तुम लोग देख सकते हो जो भी इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक्स से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम है 1, एक्स भी कितना है, मिनिमम है 0, यहाँ पे एक्स भी कितना आ जाएगा 1, और एक्स से कितना आ जाएगा 0, और पीटी की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। तो ये किसके लिए ग्राफ आ गया हमारा, ये किसके लिए ग्राफ आ गया हमारा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब अगर हमें आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर हमारा ग्राफ ये आया, तो नॉन आइडियल के लिए क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, हो सकता है वैसे कम हो जाए, ठीक, इनका भी कम हो जाए, इनका भी कम हो जाए, हो सकता है इनका भी बढ़ जाए, इनका भी बढ़ जाए, इनका भी बढ़ जाए। ठीक, तो वो किसके लिए होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब इसके अंदर भी फिर दो केस आते हैं, कम होता है या बढ़ता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, तो देख लेते हैं भाई क्या होता है। एक और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम लोगों को पता हो ना हो कि क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, क्या होता है रोल्स लॉ, क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन जो चीज पता होनी चाहिए वो इन लोगों के एग्जाम्पल, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल रटे हुए होने चाहिए, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी एग्जाम्पल रटे हुए होने चाहिए। बताऊं क्या, मैं पढ़ लेना एनसीईआरटी से, ठीक है ना, तुम मुझे डीएम करना, मैं कर दूंगा तुम लोगों को, जो भी है सब बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। ठीक है, और बाकी तुम लोगों को क्या पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया, ठीक, उसके बाद में मैंने बताया कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो दो टाइप का हो सकता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे, एक हो सकता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करे। ठीक है,
एक हो सकता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे, एक हो सकता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करे, है ना। तो सबसे पहले तो भाई सिंपल सी बात है, पॉजिटिव शो किया तो पीए क्या होगा, ज्यादा होगा किससे पी और टिकाइए से, ठीक। इधर पीए क्या होगा, कम होगा किससे पी और टिकाइए से। पॉजिटिव किया किसका डेल्टा फी मिक्सिंग भी ज्यादा रहा होगा, मतलब क्या वॉल्यूम बढ़ गई, इसका भी क्या रहा होगा डेल्टा कम रहा होगा, इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, इसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा। पहली चीज तो यहीं से पता चल गई भाई कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव तो क्या होगा एंडोथर्मिक, इसके लिए क्या होता है नेगेटिव तो क्या होगा एक्सोथर्मिक, ठीक है। कितने डिफरेंस हो गए, चार हो गए। तो अब एक और देखते हैं इंद्र बॉन्ड के अंदर, ध्यान से देखना। आइडियल सॉल्यूशन जो था उसमें मान ली कि ए और ए बॉन्ड था किसका, ए और ए बॉन्ड था किसका, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का, मान लिया सॉल्वेंट का था, बी और बी किसका था सॉल्यूट का था, तो इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो अप्रोक्सीमेट या इक्वल होगी किसके, ए बी के, तभी तो जो भी वॉल्यूम थी वो बढ़ी नहीं घटी नहीं। अब यहां पे क्या वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम कब बढ़ेगी जब बॉन्ड क्या मान लिया कि देखो एक बी है एक पी है एक ए है एक ए, ठीक है, ये दोनों आपस पास पास में है, इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है अच्छी और इनकी थोड़ी लूज है, ठीक है। तो इनकी अगर लूज है तो दोनों आपस में एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे तो दूर दूर जाएंगे, तो क्या होगी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अगर इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी है तो दोनों पास में आएंगे तो वॉल्यूम क्या होगी घट जाएगी, ऐसा ही तो होगा ना। तो अगर ऐसा होगा तो वॉल्यूम बढ़ रही है तो मतलब क्या सॉल्यूशन के जो बॉन्ड्स होंगे वो वीक होंगे, हाँ भाई वीक ही तो होंगे। अब जो ए ए की बॉन्ड स्ट्रेंथ थी और जो बी बी की बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा होगी किससे, ए बी से, तभी तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, ये दोनों दूर दूर जाएंगे और वॉल्यूम बढ़ जाएगी, है ना। और इधर क्या होगी, ए ए की बॉन्ड स्ट्रेंथ और बी बी की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी किससे, ए बी से, तभी तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये पास पास आएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगी, आए इतना समझ। और बाकी वही नॉन आइडियल के लिए तो सेम होता ना, डेल्टा एंट्रोपी पॉजिटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव गिब्स फ्री एनर्जी, नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव, ठीक। सर मैंने आइडियल के अंदर उल्टा लिख दिया था ये ना, जीरो को इधर लिख दिया था, ठीक कर लेना तुम लोग। हाँ तो भाई हो गया इतना, ये इनके अंदर डिफरेंस था, अब इनके ग्राफ देख लेते हैं। और जैसा मैंने आइडियल में बताया था, तुम लोगों को कुछ याद हो या ना हो लेकिन एक चीज याद होनी चाहिए, वो क्या है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल याद तो सब याद, एग्जाम्पल नहीं याद तो कुछ भी नहीं याद, वही हमारा पुराना। इधर क्या था रैपिड प्रेशर, इधर क्या था मोल फ्रैक्शन, ठीक। आइडियल के लिए होना तो कैसा चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था लेकिन इसने क्या कर दिया, पॉजिटिव डेविएशन शो कर दिया। कौन सा डेविएशन शो कर दिया, पॉजिटिव डेविएशन शो कर दिया। तो ऐसा आने की जगह कैसा आ गया, तो भाई ऐसा आने की जगह वो आ गया ऐसा, ज्यादा हो गया सबसे, पॉजिटिव डेविएशन शो कर दिया, ठीक है। वही ये क्या पी नॉट है, ये पी नॉट भी, यहाँ पे क्या का ये वन काई भी जीरो काई भी वन काई जीरो, तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया, पॉजिटिव डेविएशन के लिए, आया समझ, ठीक। वैसे नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ देख लेते हैं, इनको रुक कर देता हूँ ना बस, तो वहां पे भी सब कुछ बढ़ गया था, पॉजिटिव हो गया था, सिंपल सी ट्रिक जहां सब कुछ पॉजिटिव हो जाए बढ़ जाए सिवाय बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक। अब इसने नेगेटिव डेविएशन शो कर दिया तो सब कुछ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सब कुछ घटा देते हैं, ये घट गया, ये भी घट गया, ये भी घट गया, ठीक। किसके लिए हो गया, किसके लिए हो गया, नेगेटिव डेविएशन के लिए, नॉन आइडियल पोल नेगेटिव डेविएशन, तो हमारा आइडियल नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन सब क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक। एक चीज और याद रख सकते हो तुम लोग की, जो पॉजिटिव डेविएशन होता है मिनिमम बॉइलिंग एज जो टॉप शो करता है, और जो
वो होता है नेगेटिव डेविएशन, होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करता है। ठीक है, अब बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वैसे तो इससे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, चांस भी नहीं, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा। लेकिन अगर तुम लोगों को जानना हो तो डीएम कर देना, मैं तुम लोगों को बता दूंगा। यार वीडियो में इतना सब बताना पॉसिबल नहीं, क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होता ज्ञान तो, है ना। ठीक है, तो भाई इतना आ गया समझ, तो ये आज का लेक्चर अभी यहीं पे फिनिश करते हैं। आइडियल नॉन आइडियल सब हो गया, अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जहां से क्वेश्चंस आते हैं कितनी, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक ओस्मोसिस पढ़ेंगे और फिर एक एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तीन चार लेक्चर और लगेंगे और चैप्टर खत्म। तो जुड़े रहना लास्ट तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।